पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पंचायत भवन में बैंकों का फेस्टिवल मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह रहे। जिलाधिकारी मुरादाबाद के द्वारा मेले का निरीक्षण किया गया और मेले में लगाए गए सभी स्टॉल्स का जायजा लिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी मुरादाबाद के द्वारा वार्ता करते हुए सभी से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग आयोजित इस मेले में पहुंचे और मेले का लाभ उठाएं। इस दौरान प्रथमा बैंक, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक के साथ दर्जनों बैंकों के स्टॉल इस मेले में शामिल हुए। सभी को जागरूक किया गया। बैंक लोन मेले में पहुंचे जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सभी बैंकों के स्थल का निरीक्षण तो किया ही और सभी बैंकों के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जाना। इस दौरान जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने लोन की गई गाड़ियों की चाबियां ग्राहकों को सौंपी। इस मौके पर सभी ग्राहकों का ये कहना था कि भारत सरकार के दिशा निर्देश पर ऐसे कार्यक्रमों से आम नागरिकों को काफी फायदा पहुंच रहा है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत सरकार का यह प्रयास है कि हर व्यक्ति का सपना पूरा हो, जिसको लेकर बैंक द्वारा आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए भी काम किया जा रहा है। दो दिन तक इस पंचायत भवन में ये बैंक लोन मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी बातों को ध्यानपूर्वक बताने के साथ साथ मानक के अनुसार बैंक द्वारा लोन देने का काम भी किया जा रहा है। इस अवसर पर सिंडिकेट बैंक का ये कहना है कि भारत सरकार का यह प्रयास है कि ये सभी लोगों को फायदा पहुंचाया जाए और इस त्यौहार के मौके पर उनके सपनों को पूरा किया जाए, जिन सपनों को लेकर हर नागरिक उम्मीद लगाए हुए है। ऐसे में बैंक द्वारा उन सपनों को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने एक लोन मेले का आयोजन यहाँ पे कराया है बैंक की ओर से, और ये कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम है। इसमें जो है दो दिन का प्रोग्राम है यहाँ पे, और इसमें कोई भी एग्रीकल्चर लोन हो या MSME लोन है, ODOP के अंतर्गत लोन है, जो विभिन्न योजनाएं हैं हमारी, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, मुद्रा योजना है, जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं, हाउस लोन, होम लोन है, व्हीकल लोन है, आपका जो है एजुकेशन लोन है, इसके लिए लोगों को एक पूरी तरह से जानकारी देने के लिए, और प्लस यहीं पर अभी कल इस प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 400 लोगों को हम लोग बिल्कुल लोन डिसबर्समेंट करने जा रहे हैं हमारे बैंक, और ये एक कैंपस के अंदर सारे बैंकों ने यहाँ पे अपने स्टॉल लगा रखे हैं। वो इसी बात को लेकर के हैं कि लोग जिस भी योजना में लोन या ऋण आवेदन अप्लाई करना चाहें यहाँ पे आवेदन करें, और उनको बाकायदा लोन का सैंक्शन होगा। हमारे जो बैंकर्स हैं वो उनको हेल्प करेंगे और इसको पूरा जो है सहयोग प्रदान करेंगे लोगों को, ताकि लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ें। इसका मकसद है कि देश भर में आज से शुरू करके एक सप्ताह के ऑल ओवर इंडिया मतलब ऐसा कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया है। सभी बैंकों ने इसमें शामिल हुआ है, एंड इसका मकसद ये है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारी स्कीम चल रही है, तो सबको ये स्कीम के बारे में जानकारी मिले और इसी स्कीम के आधार पर बैंक को लोन देना पड़ेगा। तो लोन दे रहा है बैंक भी, वो जानकारी भी एक मेजर चीज़ है। तो हम लोग का अभी इधर आज और कल है, दो दिन में हम लोग का लोन सब बैंक में मिलकर लोन देगा, सबको लोन देंगे। ऐसे प्लस जो किसान है, जो आर्टिसियन है, सबको डिफरेंट सेक्टर में छोटे छोटे स्मॉल मीडियम सेक्टर के लिए और प्रधानमंत्री का जो स्कीम है, सब स्कीम में बैंक क्या कोई टारगेट अचीव करने के लिए कोई टारगेट ऐसा कुछ नहीं दिया गया, बट ऑल बैंक सब बैंक देख रहे हैं कि कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। कितने दिन में आप लोन उसका फाइनल कर रहे हैं, कितने दिन जी? कल जो सेंक्शन, आज जो सेंक्शन लेटर दिया हुआ है, कल जो सेंक्शन लेटर, तो 3-4 दिन में फाइनल हो जाएगा। आगे 10 तारीख तक सब लोन डिसबर्समेंट हो जाएगा। मतलब कोई लोन लेना चाहे तो बैंक में पहुंचे तो 1-2 दिन के अंदर उसको लोन, बिल्कुल आज तो सबको जानकारी मिल जाएगा, उसके हिसाब से सब लोग एप्लीकेशन दे देंगे, बैंक इधर ही एप्लीकेशन रिसीव करेगा, तो उसके बाद प्रोसेसिंग होगा, 2-3 दिन में मिल जाएगा। एंड इसका मेन मकसद क्या है, गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार जो सोच है कि इकोनॉमी को स्टार्टअप करके सबको एम्पावरमेंट करने के लिए, फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर किसी भी व्यापारी पर GST ना हो तो उसमें बैंक क्या मदद करने की? GST देखिए, GST का सीलिंग अभी बढ़ा दिया गया, सबको हेल्प करने के लिए GST का सीलिंग बढ़ा दिया गया। 40 लाख का टर्नओवर के ऊपर ही GST लगेगा, अभी 40 लाख का बिलो बहुत सारे हैं,
आपको पता है इंडिया में मतलब छोटे छोटे जो ये है छोटे छोटे संस्था है उसका टर्नओवर 40 लाख से कम है, सो इसलिए मतलब विदाउट GST इज नॉट ए प्रॉब्लम, GST के लिए किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जिसका 40 लाख के ऊपर है उसका GST लागू होगा, नहीं तो उसके नीचे किसी का GST नहीं है, तो GST मेजर ये नहीं है, समस्या नहीं है। वीरू भटलेख जो है सबको ऐसे विदाउट GST बाकी सब ठीक ठाक है। इस कंडीशन में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें सही करने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए क्या किसी तरीके से बैंक की तरफ से कोई तो आज ये जो दोनों दिन के लिए जो स्टॉल लगाया है इसका मकसद यही है कि सबको वो क्लैरिफिकेशन दे देंगे। अब कोई भी आए तो पूरा दिन चलेगा, कल भी रहेगा, तो उनको क्या क्या उनका जानकारी चाहिए सब जानकारी दे देंगे हर एक स्कीम के बारे में।